अब चैप्टर नंबर दो का बेसिक में हम सीखेंगे बहुपदी नो सरवाड़ो अने बाद बाकी। यहाँ पे एक एक्स का वर्ग है और यहाँ पे भी एक एक्स का वर्ग है। अब यहाँ पे आधार और घात सरखी हो तो ही सरवाड़ा बाद बाकी पॉसिबल है। यहाँ पे आधार भी एक्स है और घात दो है, यहाँ पे आधार भी एक्स है और घात कितनी है दो, तो एक और एक कितने हो गए दो एक्स का वर्ग। इसी तरह यहाँ पे एक्स की तीन घात है, यहाँ पे भी एक्स की तीन घात, आधार भी सेम होना चाहिए और घात भी सेम होनी चाहिए, तो सरवाड़ा बाद बाकी पॉसिबल है। यहाँ पे इसके घन में से दो एक्स का घन बात करूँगा तो क्या होगी, दोनों की निशानी कैसी है अलग अलग, तो क्या करेंगे हम बाद बाकी एक एक्स के घन में से दो एक्स का घन बात करेंगे तो आंसर क्या आएगा, एक एक्स का घन आएगा। अब सरवाड़ा बाद बाकी में नियम क्या है, अगर दोनों की निशानी कैसी है अलग अलग, दोनों की निशानी कैसी है अलग अलग, तो जो बड़ा हो उसका आंसर आएगा, बड़ा कौन है यहाँ पे माइनस, आंसर किस में आएगा माइनस में आएगा। सेम इसी तरह सम नंबर थ्री, चार एक्स का वर्ग दिया माइनस त्रण एक्स नो वर्ग, चार एक्स का वर्ग माइनस त्रण एक्स नो वर्ग। अब ये चार एक्स का वर्ग है, ये तीन एक्स का वर्ग है, चार और तीन की निशानी किसी अलग अलग, अलग अलग तो क्या करेंगे बाद बाकी, चार एक्स के वर्ग में तीन एक्स का वर्ग जाएगा तो कितना बचेगा एक्स का वर्ग बचेगा। अब चार बड़ा के तीन बड़ा, चार बड़ा तो चार की निशानी प्लस है, तो ये आंसर किस में आएगा प्लस में आएगा, तो एक्स का वर्ग किस में आएगा प्लस में आएगा। सेम इसी तरह तीन एक्स, ये तीन एक्स है, ये कुछ भी नहीं तो एक्स एक समान है एक एक्स, दोनों की निशानी कैसी अलग अलग, अलग अलग तो क्या करेंगे बाद बाकी, तीन एक्स में से एक एक्स जाएगा कितने बचेंगे दो एक्स बचेंगे, तीन बड़ा तो आंसर किस में आएगा प्लस में। चार एक्स की चार घात है या तीन एक्स की चार घात है, अब यहाँ पे भी चार घात होनी चाहिए, यहाँ पे भी चार घात है, अगर यहाँ पे पाँच घात है सरवाड़ा बाद बाकी पॉसिबल नहीं, घात और आधार दोनों सरखे हो तो ही सरवाड़ा बाद बाकी हम कर सकते हैं। चार एक्स का की चार घात है, तीन एक्स की चार घात, दोनों की निशानी अलग अलग है, ये चार प्लस में ये माइनस में, तो हम क्या करेंगे बाद बाकी, चार में तीन जाएंगे तो कितने बचेंगे एक एक्स की चार घात बचेगी, आगे एक लिखो कि नहीं लिखो आंसर वही रहेगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ तीन पद है, ये सात एक्स का वर्ग है पाँच एक्स का वर्ग है अभी, और ये तीन एक्स का वर्ग, ये भी एक्स का वर्ग है ये भी एक्स का वर्ग, दोनों की निशानी सर की है, तो हम सरवाड़ा करेंगे, सात और पाँच कितने हो गए बारह एक्स का वर्ग हो गया, सात में पाँच कितने हो गए बारह एक्स का वर्ग, ये बारह में से हम किसके माइनस करेंगे तीन माइनस करेंगे, बारह में से तीन एक्स का वर्ग माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा नौ एक्स का वर्ग आएगा, हमारा आंसर कितना आएगा नौ एक्स का वर्ग आए। अब देखेंगे हम सम नंबर सेवन, सम नंबर सेवन में क्या तीन एक्स के वर्ग में से दो एक्स का वर्ग माइनस के, दोनों की निशानी अलग है तो बाद बाकी करेंगे, तीन में से दो जाएंगे कितने बचेंगे एक एक्स का वर्ग बचेगा, आगे एक लिखना तो लिखो। सम नंबर एक, चार एक्स का घन है प्लस दो एक्स का घन, ये वर्ग है तो चार का सरवाड़ा दो से ही होगा, चार ने दो कितने होंगे छः एक्स का घन, क्योंकि यहाँ पे एक्स का घन यहाँ पे भी एक्स का घन, ये क्या वर्ग वाला है, तो चार एक्स का वर्ग है ये माइनस तीन एक्स का वर्ग है, चार एक्स के वर्ग में से माइनस तीन एक्स का वर्ग माइनस करेंगे, चार में तीन जाएंगे कितने बचेंगे एक एक्स का वर्ग बचेगा। अब यहाँ पे सरवाड़ा बाद बाकी पॉसिबल नहीं है, हम सरवाड़ा बाद बाकी कर सकते नहीं, क्योंकि यहाँ पे तीन घात है, यहाँ पे कितनी घात है दो घात, घात भी सरखी होनी चाहिए और आधार भी सरखा हो तो ही सरवाड़ा बाद बाकी हम कर सकते हैं। सेम इसी तरह ये एक एक्स का वर्ग, ये भी एक एक्स का वर्ग, ये भी एक एक्स का वर्ग, ये भी एक एक्स, आगे कुछ भी नहीं एक समझने का, एक नहीं कितने हो गए दो एक्स का वर्ग हो गए। अब ये एक्स वाले, ये तीन एक्स है ये चार एक्स है, अब ये तीन एक्स और चार एक्स की निशानी कैसी है सरखी है, सरखी निशानी हम क्या करेंगे सरवाड़ा, तीन और चार कितने हो गए सात एक्स, अपन तीन और चार कितने हो गए सात, पर निशानी हमेशा बड़े की रखनी थी, बड़ा कौन है चार, बड़ा है चार के आगे माइनस थे, ये भी कैसा होगा माइनस में आंसर आएगा, ये एक एक्स का वर्ग और ये एक एक एक्स का वर्ग, सरखी निशानी सरवाड़ा एक ने एक दो दो एक्स, अब निशानी हमेशा बड़े की देंगे दोनों सरखे ही है मतलब प्लस में ही आंसर आएगा, ये तीन और चार, तीन की भी माइनस है और चार की भी माइनस में, तो सरवाड़ा करेंगे तीन ने चार सात एक्स, और बड़ा कौन है माइनस में, तो आंसर किसमें लिखेंगे माइनस में लेंगे, तो हमारा आंसर क्या है दो एक्स का वर्ग माइनस सात एक्स। अब इसकी सरवाड़ा बाद बाकी पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पे दो घात है और यहाँ पे एक्स की एक घात है, सरखी घात और सरखा आधार हो तो ही सरवाड़ा बाद बाकी हम कर सकते हैं।